तुम्हें कैसे पता कि मुझ में और परी में से कौन गलत था? क्या तुम ये कहानी जानती? नहीं जानती मैं, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। हर एक को अपनी अपनी कहानी पता होती है बात की। वैसे तुम्हें तुम्हारी और मुझे मेरी कहानी पता है। मेरी कहानी में मेरे साथ गलत हुआ था। नीति के सामने ये सच तो आ गया कि भाई ये परी है, लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रही। और यहाँ वो मौका ढूंढ लेती है दिलजीत और बबली की शादी करा के। यहाँ वो कार्ड्स वगैरह छपवा लिए उसने और उसको लग रहा है कि अब ये अच्छा मौका है यहाँ पर भाई ये सच लाने का कि ये परी है, पार्वती नहीं है। और यही कार्ड्स वगैरह लेके पहुंच जाती है पार्वती के पास उसको इन्विटेशन देने की, भाई कल शादी है बबली की और तुम्हें जरूर आना है। और यहाँ पर भाई दिलजीत और गुरवेंदर बैबे सब लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ना भाई परी का चेहरा देखना चाहते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या है। शायद हो सकता है तुम्हारी कहानी में तुम्हारे साथ हुआ, जैसे तुम बदले ले रही हो मैं भी अपना बदला ले रही हूँ। अब इस बदले की बलि पब्लिक चढ़े या कोई और, आई रियली डोंट केयर। तो कितनी गिरी हुई लड़की होनी थी। अपने बदले के लिए तुम किसी और की बलि कैसे चढ़ा सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं होता? दुख नहीं होता तुम्हें? ये सारे लोग भाई मिलकर तो उसको मारने ही चाहते थे ना, लेकिन वो बच गई थी। पर अब यहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं उसको। जो चीजें वो कर रहे हैं ना, तो वो भाई मारने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन बबली की शादी हो रही है, उसकी जिंदगी खराब हो रही है दिलजीत के साथ। और यहाँ पर पार्वती चाहती नहीं है कि भाई किसी तरीके से शादी हो। तो देखते हैं अब यहाँ पर जब इन्विटेशन का कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पर उसको मीठा भी खिला देगी और यहाँ पार्वती को बताएगी कि भाई कल हम शादी कर रहे हैं और तुम जरूर आना, बहुत मजे करेंगे, बहुत डांस वगैरह करेंगे। तो सुन के भाई पार्वती के होश उड़ गए, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। तुम्हारी जो दुश्मनी थी, तुम्हारा जो बदला था वो परी के साथ था, वो तुम्हारी आपस की बात थी। इसमें बेचारी बबली का क्या दोष है? परी से बदला लेने के लिए तुम उस बेचारी की शादी उस हैवान दलजीत के साथ करवाने जा रही हो। तुम जानती हो ना वो कितना घटिया इंसान है, इंसान के रूप में जानवर है वो, तो बबली की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पता है ना तुम्हें? यही तो मैं चाहती हूँ पार्वती, वो बर्बाद होगी तभी तो मेरा बदला पूरा होगा ना, तभी तो। और यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर ना वो बिल्कुल बाहर आ जाती है। और यहाँ दाइमा है वो बहुत परेशान हो रही है। दाइमा को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेगी पार्वती। तो हो सकता है कि भाई दाइमा ना अंबिका को फोन करें और उनको बुलवा लें, क्योंकि अंबिका यहाँ पर कनाडा गई हुई है अपनी कुछ मीटिंग्स के लिए। और ये जब ये सारी चीजें सुनेगी तो भाई पार्वती के बहुत परेशान है और बबली की शादी हो रही है, और हो सकता है कि इन सारी चीजों से जो पार्वती है वो थोड़ा सा डगमगा जाए, इमोशनल हो जाए और यहाँ पर सच बता दे। तो इस डर से ना भाई अंबिका वापस आ जाएगी और अंबिका भाई इसको समझाएगी यहाँ पर और उसको बताएगी कि अभी ये सच बताना नहीं मुमकिन है, क्योंकि अगर तुमने सच बता दिया तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम राजीव और नीति से बदला कैसे लोगी? यहाँ पर जिस तरीके का पहले प्रोमो आया था ना कि बबली और दिलजीत की शादी हो रही है यहाँ पर, और अचानक से पार्वती आएगी, रोक देगी शादी को और बोलेगी कि मैं आज आपको एक सच बताने जा रही हूँ कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ, तो हो सकता है कि वो प्रोमो सामने आ जाए और यहाँ पर शादी रुक जाए। लेकिन अगर ये चीज सामने आ गई तो भाई फिर एपिसोड में रह क्या जाएगा, फिर तो खत्म हो जाएंगे सारी चीजें यहाँ पर। और हो सकता है कि परिणीति ऑफ एयर भी होने वाला हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नए सीरियल्स की टाइमिंग्स आ रहे हैं तो भाई मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ अंदाजे से एक बता रही हूँ आपको कि शायद, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा स्टार्ट होने वाला है 7:48 से और 7:30 बजे भाई परिणीति भी आता है, तो हो सकता है कि इसके टाइमिंग्स वगैरह चेंज हो जाए या फिर यहाँ पर ये जल्दी से ऑफ एयर होने वाला हो। क्योंकि जिस तरीके का प्रोमो दिखाया ना कि भाई पार्वती का सच आ जाएगा ये परी है, तो यहाँ पर राजीव को तो समझ में आ जाएगा ये परी है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर परी भाई सारा सच भी बता देगी कि किस तरीके से नीति बेबे गुरवेंदर और दिलजीत ने मिलकर उसको मारने की कोशिश की थी पहाड़ों पे से। और यहाँ पर राजीव से भी पूछेगी कि भाई तुमने मुझे क्यों मारा था, तो राजीव यहाँ पर अपना सच का खुलासा करेगा और राजीव भाई हो जाएगा बेकसूर साबित।